हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आयुष कंपनी द्वारा बनाए गए सोप के बारे में चर्चा करेंगे, वो फेयरनेस सोप। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये सच में आपको फेयरनेस देती है या ऐसे ही? तो इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट नहीं है, किस तरह से आपको ये यूज़ करना चाहिए सोप, आपकी स्किन के लिए सोप ये अच्छा है या नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसी वीडियो में आपको फुल स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री है, और साथ ही इस बेल आइकन घंटे को दबाइए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक फटाफट से लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए। कोई भी दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, इनके भी बहुत सोप बहुत ही अलग अलग आते हैं, जैसे कि हल्दी से बनाए गए प्रोडक्ट हैं सोप है, और एलोवेरा से जो केसर से बनाए गए, और शहद से टर्मिक और हल्दी से बनाए गए सोप। तो इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सोप किस तरह से ये वर्क करता है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, रेड बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, ये आयुष कंपनी जो हर्बल है, नेचुरल है कंपनी, जो बहुत ही फेमस कंपनी है दोस्तों, इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो स्किन के ऊपर कोई बिल्कुल भी महत्व नहीं है, ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी तरह से आप इसको यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी यूज़ कीजिए। अगर आपके स्किन पे किस तरह से डार्क एक्ने पिंपल्स है, ऑयली त्वचा है, तो आपको कौन सी सोप का यूज़ करना है, तो इसी में वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं टर्मिक जो हल्दी से बनाई गई सोप के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हल्दी से बनाया गया प्रोडक्ट है, तो ये हल्दी किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों, ये हल्दी और केसर से बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जो ये सोप है जो आप नहाने में यूज़ करते हो स्नान करते समय। तो ये सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये आपकी स्किन को निखारने में मदद करती है, ग्लो लाने में मदद करती है, चमकीली बनाने में मदद करती है हल्दी से और केसर से, और एलोवेरा से भी जो एक्ने पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स आप देख सकते हैं नीम से बनाई गई हुई, और केस जो एक्ने पिंपल डार्क स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करती है, ठीक है, केल मासों को, जो गड्ढे हैं रोम छिद्र हैं उसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है, वो ये जो एक्ने बहुत ही रिमूव कर देगी। दोस्तों, ये किन किन प्रोडक्ट से मिलकर बनाया गया है, सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी प्राइस कितनी है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस लगभग आपको मार्केट में मिल जाएगी और अधिक रेट में मिलेगी, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को नीचे दी गई वीडियो के नीचे लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट मंगाइए, उससे प्राइस आपको कम देनी पड़ेगी। तो ये भी बता देता हूँ कि कितनी आपको प्राइस देनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों, आपको मार्केट में 114 रुपये प्राइस देनी पड़ेगी इसकी, और इस लिंक से मंगवा रहे हो आप इस प्रोडक्ट को तो 88 रुपये प्राइस देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये स्किन को, यहाँ पे देख सकते हैं स्किन ग्लोइंग स्किन को निखारने में बहुत ही मदद करती है दोस्तों ये, और हम इसी के बारे में बता देते हैं कि आप यहाँ केसर से बनाए गए प्रोडक्ट हैं, केसर सोप है, और यहाँ पे जो टर्मरिक है जो हल्दी से बनाई गई है, और आप देख सकते हैं नीम की पत्तियों से भी बनाए गए जो ग्री सोप है। तो दोस्तों, अब हम इसी के बारे में बता दिए कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको स्नान करने से पहले आपकी स्किन को जो एलोवेरा जेल है उसका यूज़ तो करना ही करना है, यूज़ कीजिए, जिसके कारण आपकी एक्ने पिंपल्स हैं वो बहुत ही रिमूव हो जाएंगी, आपकी स्किन पे ज़्यादा नहीं होंगी, कम होंगे, और उसके बाद में सोप पर स्नान करें आपकी सोप से, जो आपकी त्वचा पूरे शरीर पर, जो आपकी पूरा शरीर है वो बिल्कुल भी ग्लो हो जाएगा, बहुत ही गोरापन देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी के बारे में बता दें कि किन किन पदार्थों से मिलाकर बनाए गए प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयुष सोप है जो टर्मरिक है, तो आप कौन कौन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी से बनाया गया है, और ये शहद से, और यहाँ पे जो नीम की पत्तियों से मिलाकर यह बनाया गया सोप है, और रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट देगा दोस्तों ये। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज आपने यूज़ किया, दो दिन तीन दिन यूज़ किया, उसके बाद में आप सोचते हैं कि ये कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। दोस्तों, आयुर्वेदिक होती है वो चीज़, तुरंत नई रिजल्ट देती है, वो थोड़ा वक्त लेती है,
और जो मेडिकल है वो बहुत ही बेस्ट जो रिजल्ट देती है बहुत जल्दी, लेकिन उसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं आपको स्किन के ऊपर, बहुत ही बेकार। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक है, इसका यूज़ कीजिए, थोड़ा इंतज़ार तो कीजिए। आप पहले आपकी स्किन पे कील मुहासे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, कालापन, झुर्रियाँ हैं, तो वो जो क्रीम है मेडिकल वाली तो उसका यूज़ करिए हो तो, लेकिन उसका तो यूज़ कर लेते हो 5-7 दिन में, उसके बाद में आपकी स्किन बहुत बेकार हो जाती है, लेकिन बेकार तो होगी, लेकिन इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो करते हो तो सदा के लिए आपकी स्किन और अपन निखार आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक आने था डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेडिकल वाली वो क्रीम वो बंद कर दीजिए दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, अगली वीडियो मिलते हैं। और फेस वाश के बारे में आपको बताना है किस तरह से आपको कौन सी फेस वाश यूज़ करनी है, आपकी ऑयली है या सांवलापन है, किस तरह की आपकी स्किन है बता दीजिए, कमेंट में लिखिए और मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि माध्यम से आपको भी स्किन है जो बहुत ही ग्लो निखारने में मदद करेगी। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।